सिग्निफिकेंट रोल समझ में आवे कि भाई दान दे रहे हो और विद्या भी तुमको एक्वायर करनी चाहिए। विद्या को क्या अर्थ है वो सब बताऊंगा, साथ में सत्य। मनु कह रहे हो कि क्रोध करो मत तुम, याज्ञवल्क फिर से थोड़ा सुधार रहे हो, क्रोध तो आ जाएगा, क्रोध में कोई इतना बुरी बात नहीं है, पर क्रोध को उतना मत ताणो कि वो हिंसा तक तुमको खींच के ले जाए। सो अक्रोध के बजाय याज्ञवल्क कह रहे हो कि पशु भाव में सु मनुष्य भाव में लाने वालों जो धर्म है वो अहिंसा है। अक्रोध तो ठीक है, वो इतने कोई क्रोध आने पे मनुष्य पशु ही हो जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे डिपेंड करे है कि मनुष्य काय पे क्रोध कर रहे हो, काय पे क्रोध कर रहे हो, क्रोध करने लायक बात पे क्रोध कर रहे हो कि अक्रोध पे क्रोध कर रहे हो। तो वालिए वो कहे कि क्रोध अक्रोध इतना बड़ा याज्ञवल्क कहे कि जरूरी फैक्टर नहीं है, जितना ये जरूरी फैक्टर है कि तुम अपने क्रोध को उतना मत ताणो कि वो तुम्हारे भीतर हिंसा को भाव जगा दे, वहां तक बस रखो, कंट्रोल में रखो क्रोध को। तो ये सारो जो है वो मनु और याज्ञवल्क को थोड़ा सा मैंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है तो काफी इंटरेस्टिंग और मधुर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये जो है वो मनुष्य को पशु भाव में सु वा में लावे है, और या ये लावे है वाकेली अपन ने जो कल देखियो द्रव्याद्वैत जो भागवत ने पशु भाव में सु मनुष्य भाव में लाने के लिए जो प्रोग्राम सजेस्ट कियो कि भाई तुम याकु मन पे समझाओ के यत स्वार्थ कामयो रैक्यम, वो अपने मन को समझाओ तो तुम पशु भाव में सु मनुष्य भाव में आ सकोगे, और वो जब तुम समझाओगे अपने को तो तुमको धर्म सु शाश्वत नियम को पकड़ना चाहिए, अपने केवल इष्टानिष्ट के पूर्ति के अनुभव वैयक्तिक या सामुदायिक इष्टानिष्ट पूर्ति के अनुभव के आधार पर शाश्वत नियम घड़ने के बजाय, वो तो घड़े ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट, अपनी सेटअप ही वह ढंग का है कि तुरंत घड़ा जाए। जैसे एक बात समझो कि अपने आंख पे कोई कंकड़ आतो हो तो पलक मिट जाएगी, माथे पे डंडा पड़ता है तो हाथ आ जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि जो भी शाश्वत नियम अपन को रिलेटिवली समझ में आए हैं वह तरह से अपन बर्ताव करेंगे ही, पर अपने तुम्हारे इष्टानिष्ट के आधार पर तुम शाश्वत नियम को घड़ो या के बजाय शास्त्र के आधार पर तुम शास्त्र इष्टानिष्ट के नियम को समझो तो वो बेटर तुम्हारे लिए होएगा। पशु भाव में सु मनुष्य भाव में आने के लिए भागवत ने यह बात कही थी, वाके पहले मनु और याज्ञवल्क या तरह से सजा बता रहे हैं कि इनको तुम बतौर धर्म पुरुषार्थ एक्सेप्ट करो तो तुम पशु भाव में सु अपने आप को मनुष्य भाव में इजीली कन्वर्ट कर सको, और यदि तुम मनुष्य हो उनकी थिंकिंग समझो हो बात, यदि तुम मनुष्य हो तो तुम वर्ण आश्रम के धर्म को पाल पाओगे, यदि तुम इन धर्म को नहीं पाल रहे हो तो तुम मनुष्य हो के नहीं, अब सवाल पैदा हो रहे हो, और जब तुम मनुष्य नहीं हो तो फिर वर्ण कैसे आएगा यार, गधा को थोड़ी कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण हुआ और वैश्य को जो वो वैश्य है कैसे वो गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी है कि सन्यासी है, गधा न ब्रह्मचारी हो न गृहस्थ हो न वानप्रस्थ हो न सन्यासी हो, गधा तो गधा हो मस्ती से जीने वालों होची होची करके, ये सब जो है वो तो प्रसक्त कहां भयो कि जब तुम मनुष्य बने तब। तो जो तुमको मनुष्य बनाने वाले फैक्टर हैं वो मनु कह रहे है कि ये फैक्टर्स हैं जो तुमको मनुष्य बना रहे हैं गधा महसू, और इनको तुम बतौर पुरुषार्थ अपने में अपना डेवलपमेंट को प्रोग्राम या तरह से करो, यदि या तरह से तुम कर पा रहे हो तो तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो तो फिर वर्णाश्रम धर्म तुमको प्राप्त होंगे, यदि मनुष्य नहीं हो वर्णाश्रम की व्यर्थ में चिंता करके फायदा क्या, क्योंकि तुमको दियो भी ना वर्णाश्रम तो अपन जान रहे हैं कि अपन ने वर्णाश्रम क्यों तो और खो दियो, आज टोटली खो दियो, कहां निभियो अपने सुवर्णाश्रम। एक सच बात यह है कि यदि ब्राह्मण ने ब्राह्मण वर्ण के दुराभिमान के कारण
इतर वर्णन को मैंने नीचो नहीं दिखाया हो तो कभी ब्राह्मण वर्ण पर श्रद्धा टूटे यह संभव नहीं होती, यह संभव नहीं है। तो बुद्ध ने जाने इतनी गाली दी, बहुत जलील किया ब्राह्मण को, पर वह जलील करने के बावजूद भी जब भी आदर्श व्यक्ति कैसे होवे ये बुद्ध से पूछा जाए तो कहें जैसे ब्राह्मण हो ऐसा होना चाहिए। मतलब समाज में बहुत वक्त कितनों ब्राह्मण को रिस्पेक्ट है, तो ब्राह्मण ने चोरी करी अपने यहां आवे है, राजा के पास गयो कि मैंने चोरी करी मेरे हाथ काटो। राजा ने कही कि नहीं जरूरत है, तुमने कबूल किया बहुत है। बोले नहीं, दंड तो मुझको मिलना चाहिए। ब्राह्मण में वो बात होती, अपने यहां को सत्यकाम जाबाली का प्रसंग देखो कि सत्यकाम जा वक्त ऋषि के जाबाली जब पढ़ने के पास गयो, वाने कही कि भाई मैं ब्राह्मण के अलावा कोई को नहीं पढ़ाऊं, तू कौन को बेटा है? तो यानी कि ये पता नहीं महाराज कौन को बेटा हूं। तो यानी कि जा पूछ क्या तेरी माँ को। माँ ने कही मुको भी नहीं पता है कि तू कौन को बेटा है, जाके ऋषि को कह कि तो कुछ तेरी माँ पता है, तेरा बाप तेरी माँ को भी नहीं पता है। वहां ने जाके कही कि मेरी माँ ऐसे कह रही है कि मेरा बाप कौन है वो वाकू भी नहीं पता है, तो मुको कैसे पता होगा। ऋषि ने तुरंत कही नहीं तद अब्राह्मणो विवेक तुम्हारती। अब ब्राह्मण इतनो खुल के कभी बोल नहीं पाएगो तू ब्राह्मण है, चल तेरे को पढ़ा रहे हो। ये गत सहते ब्राह्मण में, या लिए भागवतकार भी यह बात को कह है कि ब्राह्मण जो है वो दुराचार कर सके पर झूठ कभी नहीं बोलेगो। आज सबसे ज्यादा झूठाड़ो ब्राह्मण है। यदि झूठ बोलवे की कोई की मोनोपोली है तो सिर्फ ब्राह्मण की है, बनिया की नहीं है। हो इतनी ऐसे ऐसे कुबड्डाई करी है ब्राह्मण ने, जा ब्राह्मण को भीख मांगने की मनाई हती कि भीख मत मांगो तुम। यजन याजन अध्ययन अध्यापन और दान प्रतिग्रह यही तुम्हारी आजीविका है, भिक्षा तुम्हारी आजीविका नहीं है। और ब्राह्मण जो भीख मांग रहे हो है, शास्त्र स्पष्ट कहे सस्तेनो दंड मर। ब्राह्मण ने कैसी कैसी कुबड्डाई करी, यज्ञ के नाम पे आपो, पूजा के नाम पे आपो, भागवत कथा के नाम पे आपो, ठाकुर जी के नाम पे आपो, छप्पन भोग के नाम पे आपो, ये सब नालायकी कोई कर रहे हो ना दुनिया में, ब्राह्मण ही कर रहे हो है सबसे ज्यादा। जब ब्राह्मण कर रहे हो है तो वहां को रेपुटेशन खोनो स्वाभाविक बात है। ब्राह्मण के अलावा ये नालायकी कोई नहीं कम्युनिटी कर रही है, और या के लिए सबसे ज्यादा अधोगति ब्राह्मण की। भाई जा बात की स्ट्रिक्टली वाकु मनाई हती वो बात ही वहां में सबसे ज्यादा रेलिश करे है ब्राह्मण करके, ब्राह्मण खो गयो, ब्राह्मण खो गयो, फिर अब श्रद्धा नहीं रह गई लोगों को ब्राह्मण पे। नहीं तो ब्राह्मण को पुराने जितने भी लिटरेचर देख लो, एक सामान्य बात बता रहे हूं आपको, पुरानी जो स्टोरीज हैं उनकी बात, धर्मशास्त्र की नहीं बात बता रहे हूं। कहीं भी ब्राह्मण कोई को मिलतो तो गैर ब्राह्मण वाकु भगवान कहते थे। मूर्ख नहीं होते कि ये भगवान नहीं है ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण को ब्राह्मण्य इतनो प्रशस्त हतो कि लोग वाकु ये मानते थे कि नहीं यार ये तो भगवान है। आज ब्राह्मण जो है ना मांगे तो दरवाजा बंद करें, हमना जाओ। और रेपुटेशन कैसी है ब्राह्मण की कि ब्राह्मण नहीं मांगेगा तो मांगेगा कौन? बनियान को भी पाछी उल्टी समझ भई हो। वैष्णव को बड़ी दया आवे कि महाराज हवेली नहीं चलावे तो बीजो धंधो शू करे, इनने कहीं धंधो छे व्यापार छे एटले हवेली चलावी ने मांगे एटले आपो। वाके ब्रह्म हत्या के पापी हो तुम लोग सब। महाराज यदि ब्राह्मण है
तो बाकी ब्रह्महत्या के पापी तुम लोग हो, ये बात मत भूलो। जा वक्त तुम वो मांगने पे तुम वाकू दे रहे हो, वाके ब्राह्मण की ब्राह्मणत्व की तुम हत्या कर रहे हो, को मांग रहे हो और वाकू तुम दे रहे हो, और तुम ब्रह्महत्या के पापी बनिया नहीं हो के चांडाल हो जाओ शास्त्र के हिसाब से। शास्त्र की व्यवस्था ये है, खतरनाक व्यवस्था है शास्त्र की, कि तब तुम बनिया नहीं रह गए, तब तुम चांडाल हो गए। चारों वर्ण में सुबाहर, पहले इन पर ट्राई लो, इन धर्मन को ट्राई करो और अपने आप को सुधारो, और फिर से बनिया बनो, तब जाके कोई दूसरे अधिकार आएंगे। तब महाप्रभु जी को वचन जो है वो प्रसक्त होएगो कि स्वधर्मा वर्णाश्रमा दयो। तो अभी तुमको अपनो स्वधर्म में स्ववर्ण ही नहीं दिख रहे हो कि यार तुम बनिया हो, क्योंकि तुम तो एक ब्राह्मण की हत्या करने वाले ब्रह्म हत्या के पातक ही लोग हो सब, कि जो ठाकुर जी के नाम पे मांग रहे हो है, जो भिक्षा मांग रहे हो है, वाकु तुम दे रहे हो। शास्त्र ने स्पष्ट व्यवस्था करी थी, सस्तेनो दंड मरहति, वकु तो चोर है, वो ब्राह्मण नहीं है। क्या तरीके की व्यवस्थाएं उच्छिन्न हो गई है, ध्यान से समझो बात को। तो या उच्छिन्न व्यवस्था में धर्म को कैसे जीनो, पशु भाव में से मनुष्य भाव में कैसे आनो, ये बेसिक अपनी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अपनी है, ऐसी नहीं है, यूनिवर्सल ह्यूमन स्पीशीज की प्रॉब्लम है। और सबन ने यह बात पे ध्यान दिया है, सभी धर्म ने ध्यान दिया है, सिर्फ अपने धर्म ने ध्यान दिया है, ऐसी बात नहीं है। और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले देखो, अपने विरोध में जो बौद्ध धर्म आयो, वहां ने क्या कही? बौद्ध धर्म दो तरह से डिवीजन करे है। अपने यहां जैसा चार वर्ण है, सोटु से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे चार वर्ण जैन बौद्ध धर्म में नहीं है, उनमें दो वर्ण है, एक श्रमण और एक श्रावक, दो ही वर्ण है। कोई उनके यहां श्रमण है या कुछ साधु समझ लो आप, और कोई श्रावक है, दो वर्ण में उनको डिवीजन है। और जो अपने यहां ब्राह्मण है वो उनके यहां श्रावक है। ये तो आज आपको पता नहीं चले और मुझको भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या चल रहे है, क्योंकि वह तरीके कोई को संपर्क कभी पूछ नहीं पायो मैं। पर जैन ग्रंथन में स्पष्ट ऐसे उल्लेख आवे है कि बाप को श्राद्ध आवे तो ब्राह्मण को नहीं खिलानो, साधु को खिलानो। और जैसे ब्राह्मण को बुलाओ ऐसे साधु को बुलाओ, कितने साधु बुला रहे हो, जैसे ब्राह्मण को कितने बुलाने तो श्राद्ध खिलानो, ऐसे उनके यहां पूरा श्राद्ध को एक कल्प सूत्र है। श्राद्ध में साधु को खिलानो और क्या क्या देनो क्या नहीं देनो, जैसे अपने यहां श्राद्ध में सारे नियम विधि विधान है, ऐसे जैनन में भी है। अब मुझको एग्जैक्ट नहीं पता है कि या बखत ये उनके यहां प्रैक्टिस में है कि नहीं है साधु को श्राद्ध में खिलानो, पर उनके ग्रंथन में ये इंस्ट्रक्शन या तरीके के बहुत साफ सुथरे मौजूद है। और बड़े मजेदार, मैंने तो आपको पढ़ के देखे और बहुत आनंद आया मुझको कि देखो कितना पैरेलल है अपने और उनके। तो ये बात ध्यान समझो कि उनके यहां दो वर्ण है, श्रमण और श्रावक। ऐसे बुद्ध में भी, क्योंकि बुद्ध पहले हैं, तो बुद्ध ने ब्राह्मण माने उनके श्रमण के और श्रावक के पांच पांच शील रखे हैं। पंचशील, पंचशील नेहरू जी नहीं करते थे, उनने वो बुद्ध के पंचशील को पॉलिटिकल फ्रेम में देने की कोशिश करी, पर मूल में बुद्ध धर्म में वो पंचशील जो हैं वो पहले श्रावक के पंचशील हैं, और जब वो श्रावक साधु बन जाए तो वो पंचशील तो वाकुपाल नहीं है, हाँ हाँ त्यागी परिव्राजक, वो चांद घुटाया भयो
बांध नोचे भयो, जो बौद्ध साधुओं में, बौद्ध जैन साधुओं में, वो सब दीक्षा लिए भयो, बाकी दीक्षा लेनी पड़े ना उनको। सो वो जो साधु हैं, उन साधु को गृहस्थन को पांच शील हैं, वो पांच शील उनको चालू रखने हैं और एडिशनल पांच शील और आवे हैं। जैसे एग्जैक्ट वही पैटर्न है, ध्यान से समझो कि ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चार आश्रम होते, क्षत्रिय के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीन आश्रम होते, वैश्य के लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो आश्रम होते और शूद्र के लिए एक गृहस्थ आश्रम होते, ऐसे आश्रम की मर्यादा होती। वही तरह सु वर्णन के भी जो अलग अलग प्रकार होते, वहां में ब्राह्मण पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती, क्षत्रिय पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि तुम बूढ़े हो गए तब चलो संन्यास ले लो, क्षत्रिय को अलाउड नहीं है। तो ये तो जैन और बौद्धन ने अपने हिंदू धर्म के सामने रिवोल्ट करके जबरदस्ती संन्यास लेना शुरू कियो और वो इतना क्लिक भयो, इतना पॉपुलर भयो, फिर अपन नर्वस हो गए कि अब वो लोग तो सब संन्यास ले रहे हैं, क्षत्रिय माने हजारन की तादाद में क्षत्रिय कन्वर्ट भय बौद्ध और जैन धर्म में। वासु अपनी माने पेट को पानी हिल गयो कि मरे अपन ये तो। तो फिर अपन ने भी कहना शुरू कर दिया कि चलो फिर हम भी क्षत्रिय को भी संन्यास देंगे और बनिया को भी संन्यास देंगे। अब इन 600-200 साल में तो अपन ने शूद्र को भी संन्यास देना शुरू किया, इतने नहीं शूद्र सु भी नीचे जिनको अपन मानते थे उनको सबको संन्यास को अधिकार हो गया। अजगर करण, चाकरी, पंचीकरण काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सब संन्यास लेके बैठ जाओ। ये जो आखिरी पद्धति है वो कहीं न कहीं अपन ने अपनी जैन बौद्धन के सामने मुकाबला करने में अपनी कमजोरी, अपनी डिफीट अपन ने कन्फेस कर ली कि भाई हार गए तुम सो हम, और हार गए वाली अपन ने भी वो प्रैक्टिस एडॉप्ट कर ली कि भाई जैसे पुष्टि मार्ग के आज से 100 साल पहले कोई महाराज भागवत सप्ताह में भाग नहीं लेते थे, पर ऐसी चली भागवत सप्ताह, ऐसी चली सब पुष्टि मार्ग के महाराज हार मान गए, इतने नहीं खुद भागवत सप्ताह करने लग गए। तो हार जाए ना आदमी फिर कॉम्प्रोमाइज या तरीके की करते हुए है, वो सामान्य कथा है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक वक्त बताई कि ये विठलेश राय जी की वहां में स्पष्ट आयो है कि उनको 8,000 रुपया देने गयो कि आपके ठाकुर जी की भेंट मेरे बाप काट के गयो है। उन्हें कि भाई मेरे ठाकुर जी के साथ तेरे बाप को संबंध क्या, वह जमाना में हो, 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, 150 साल पहले की, तो मेरे ठाकुर जी को तेरे बाप के साथ संबंध क्या कि मैं तेरे बाप के काढ़े 8,000 रुपया मेरे ठाकुर जी के लाऊं, मैं नहीं लूंगा, ले जा। आज तो 8,000 कोई चीज नहीं है, वह जमाना में 8,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पाड़ दी कि भाई मेरे ठाकुर जी के लिए अपने या घर के विठलेश जी, ये वृजीवन जी, इनके इनके पिता पुरुषोत्तम लाल जी, उनके पिता वागधीश जी और उनके शायद विठलेश जी, विठलेश जी, तो वो विठलेश जी ने ये कही कि भाई मेरे बाप ठाकुर जी के साथ तेरे बाप को संबंध क्या, क्यों धर गए एक तो 8,000 रुपया और क्यों लो। वो मादा हतो आज तो पिघल गए मोमबत्ती की तरह, महाराज किमड़िया खोल की रस की बूंदे पड़ी। तो पिघल गए हम लोग, पहले वो पिघलते नहीं थे, दमखम वाले थे ब्राह्मण, ऐसे दमखम वाले थे और रहते थे अपने बलबूते पे। अभी मैंने एक शेर बनाया, जस्ट आपसे शेयर कर रहे हो। खास हम लोगन पे ही बनायो कि दिल चाहता भी हो, दिल चाहता भी हो, कुछ तो जमीर रख, दिल चाहता भी हो,
मगर कुछ तो जमीर रख, जमीर माने मादा, पोटेंशियलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिल तो चाहे हाँ दे जाए तो अच्छा ही है ना, क्या खोटो है। दिल चाहता भी हो तो कुछ तो जमीर रख, दौलत से हुस्न, हुस्न से दौलत को मत खरीद। पैसा फेंक के हुस्न को खरीदनो और हुस्न से ठाकुर जी के मनोरथ करा करा के पैसा खरीदनो। अरे कुछ तो जमीर रख यार, ये तो वेश्या व्यवसाय है। दिल चाहता भी हो तो कुछ तो जमीर रख, दौलत से हुस्न, हुस्न से दौलत को मत खरीद। दिल में तो इच्छा हो जाए भाई, हुस्न दिखे तो अपने को हो जाए, पैसा काट में चल मिल जाए तो क्या होटल है, पैसा चल दे। सहज स्वाभाविक इच्छा है, मनुष्य है ना, पशु भी तो है ना, मनुष्य होने के अलावा पशु है तो वो इच्छा हो ही जाए कि गांठ में पैसा और हुस्न सामने आयो तो खरीद लो। पर दिल चाहता भी हो मगर कुछ तो जमीर रख, कुछ तो अपना मादा रख कि दौलत से हुस्न, हुस्न से दौलत को मत खरीद। हम लोग हुस्न से दौलत खरीदने वाले हैं और तुम लोग दौलत से खरीदने वाले, बस अपनी ये रामायण है। तो ये जमीर अपन ने अपने खो दियो, वैष्णव होने को, पुष्टि मार्गी होने को, ब्राह्मण होने को, बनिया होने को अपन ने जमीर खो दियो है। अपन सब हुस्न के खरीददार हो गए हैं और हुस्न के जो है वो बेचने वाले, हुस्न फरोख्त हो गए हैं। ये एक अपनी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पुष्टि मार्गी, है सो है। पर जो बात ध्यान से समझने की है कि बौद्धन ने वाके लिए पंचशील गृहस्थ के और पंचशील जो है वो परिव्राजक के, माने दशशील परिव्राजक के बताए, उन पे ध्यान दो तो कैसे पशु भाव सु मनुष्य भाव आवे है। और वाके लिए सबसे पहले देखो बुद्ध कहे हैं, अदत्ता दान विरति, अकाल भोजन विरति, मृषावाद विरति, प्राणातिपात विरति, कहां रखना समझ नहीं आ रहा। ये तो कॉमन फैक्टर है अपने और बुद्ध के, पर एक उनको एडिशनल फैक्टर है सुरा मध्य मैरे पान विरति, ये पंचशील होने चाहिए गृहस्थ में। हर गृहस्थ जो बुद्ध है धर्म को अनुयायी है, पर कुछ सुरा मध्य इन सब को पान नहीं करना चाहिए। जो कोई ने दियो नहीं ऐसी कोई चीज, अदत्त को आदान, जो दी नहीं है वाकु ले लेने की वृत्ति से वाकु बाज आना चाहिए। अकाल भोजन विरति होनी चाहिए, जो भोजन को काल है वही में ही भोजन करना चाहिए। मृषावाद विरति होनी चाहिए, झूठ बोलने से, जो आपको अपन अस्तेय कहते थे, नहीं सॉरी सत्य कह रहे हैं वाकु वो मृषावाद विरति कह रहे हैं। जाकु अपन अक्रोध और अहिंसा कह रहे हैं वाकु बुद्ध एकदम कॉन्क्रीट टर्मिनोलॉजी में प्राणातिपात विरति, कोई के प्राण लेना बंद करो ऐसे कह रहे हैं। ये पंचशील उनके गृहस्थ के हैं, जो गृहस्थ को पशु भाव में सु मनुष्य भाव के तरफ लाने का प्रयास है। आयन ख्याल में दूसरे पंचशील जो साधु होने के बाद एडॉप्ट करने पड़ेंगे वो कैसे हैं, माल्य गंध विलेपन विरति, उच्चासन शयन विरति,
नृत्य गीत वादित्र विरति जत रजत प्रतिग्रह विरति अब्रह्मचर्य विरति एक दो तीन चार पांच आई ख्याल में जो साधु हुए है वह आपको क्या करना चाहिए वो पांच शील तो निभानी चाहिए पर फूल की माला है पाउडर है चंदन है वो सब नहीं लगाना चाहिए पलंग पर सोना नहीं चाहिए हर वक्त भूमि पर सोना चाहिए नृत्य गीत वादित्र में अपने आप को एंगेज नहीं करना चाहिए तांबा सोना चांदी ये सब लेने से बाहर जाना चाहिए क्योंकि खाने के अलावा और कुछ खाने और कपड़ा लेने के अलावा कोई चीज को वाकू अधिकार नहीं है और अब्रह्मचर्य सुविरति मूल में एक बात ध्यान समझो फिर से कि ब्रह्म को मतलब है तो वेद ब्रह्मचर्य को मतलब है तो वेद पढ़ने वालों वा बखत वाकू अमैथुन एक नियम है तो धीरे धीरे वो अमैथुन जो है वो ब्रह्मचर्य को सिनोनिम बन गयो मूल में ब्रह्मचर्य शब्द को मतलब अमैथुन नहीं है ब्रह्मचर्य को मतलब है ब्रह्म माने वेद के लिए जो चरण कर रहे है वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी को जो व्रत वो ब्रह्मचर्य व्रत वहां में बहुत सारे ब्रह्मचर्य व्रत में नियम होते कैसे तुम ऐसे ही माल्य गंधलेपन नहीं करोगे नृत्य गीत वादित्र में अपने आप कूल जाओगे नहीं वगैरह वगैरह उनमें एक ये भी नियम होता कि तुम मैथुन आदि नहीं करोगे कायिक वाचिक मानसिक मैथुन नहीं करोगे जब अगर तुम वेदाध्ययन कर रहे हो तो वो जो माने वेदाध्ययन करने वालों या तरफ और वा तरफ जो सन्यासी है वो दो आश्रम में ये बातें प्रोहिबिटेड होती और बीच में गृहस्थ में ये सारी बातें प्रोहिबिटेड नहीं होती अनुमत होती शास्त्र के द्वारा तो ये दशशील होते नृत्य गीत वादित्र वाके बाद जत रजत प्रतिग्रह विरति जत है रजत है तांबा है पीतल है सोना है ऐसे सब मेटल को तुम कोई को दियो भयो भी दे ले नहीं सको अदत्ता दान विरति तो वहां से ही आ गया तो पर ये दत्त भी कोई दे तो भी होए तो अभी ये आइटम है तुम कोई तुमको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जस्ट रिफ्यूज इट नहीं चलेगा नहीं लेंगे मैं देखो बुद्ध धर्म की निंदा नहीं कर रहे हूं पर एक देखो कि मनुष्य जानवर सु मनुष्य बनाने में अपने जो 10 धर्म हैं उनकी वाइडनेस उनकी व्यापकता ठीक है यहां में कोई बुरी बात तो नहीं है कोई भी बात ऐसी नहीं कही है बुद्ध ने कि जाको अपन क्रिटिसाइज कर सकें पर वो व्यापकता कहां है हमें वो व्यापकता कहां है जो धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम में जो आखी एक प्लेटफॉर्म खड़ो कियो है मनु याज्ञवल्क्य ने पशु भाव सु मनुष्य भाव में लाने को वो जो एक वाइड एंगल है वो कहीं ना कहीं नदारद है क्योंकि बहुत सारी चीज या में से ही पाछी रिपीट हो रही है वाके बावजूद भी ये सारी बातें बहुत इनसिग्निफिकेंट लगे कई वक्त कि क्या इनको इतना झगड़ा है या लिए नहीं कि मुकु म्यूजिक का शौक है या लिए नहीं कैसे उच्चासन पे सो रहे हूं या लिए नहीं कि मैं गृहस्थ हूं पर तुम खुद विचार के देखो तटस्थता से दृष्टि सु के जो अपन बात कह रहे हैं एक सामान्य उदाहरण दूं कि इंद्री संयम में जो बात आ रही है वो इन सब को इंक्लूड कर ही रही है मोर ऑर लेस वैसे कौन सी ज्यादा बात आई इंद्रिय निग्रह अथवा इंद्रिय संयम में सु कौन सी ज्यादा बात आई या मैं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो
दशक उनके भी हैं, दशक अपने भी हैं, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और अपन ने जो दशक सोचे हैं धर्म, उनको कोई एक व्यापकता, उनकी जो है वो महत्ता कुछ अलग सी, कम से कम मुँह को लग रही है, दूसरे को लगे कि न लगे, पर मुँह को लगे है कि अपने दशक ज्यादा पावरफुल दशक हैं और ज्यादा इनको इंक्लूड करने वाले हैं, जबकि अपने जो दशक हैं उनको ये इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं अपने में, थोड़े नैरो फ्रेमवर्क में खड़े किए गए दशक हैं। सिमिलरली जैसे कि आप सबको पता होगा कि बाइबल भी 10 कमांडमेंट्स दे है, वहां भी दशकम धर्म लक्षणम है। अब वह दशकम धर्म लक्षणम में वो 10 कमांडमेंट्स के लिए मैंने उनके यहां तो इतना बड़ा वाको महत्व दियो है कि ये कॉवनेंट है यहवा को और आदम की औलाद को बीच में। कॉवनेंट मैंने कॉन्ट्रैक्ट है कि यदि तुम ये 10 धर्म पालोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगो, यदि तुम ये 10 धर्म नहीं पाल रहे हो गो टू हेल। सीधो वो कॉवनेंट है, तो वो कॉवनेंट के तहत उनने 10 कमांडमेंट्स दी हैं। उनमें थोड़े थोड़े अंतर आए, जैसे मनु और याज्ञवल्क्य में अंतर आए, पर वो अंतर भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग अंतर हैं, और वो देखो आप देखो तो पता चलेगा। ये मैं बाइबल याल ये कह रहे हूं कि जाके कारण यहूदी और ईसाई दोनों आ जाएं, और सिर्फ ईसाई ही नहीं, ईसाई मत के भी जो अलग अलग संप्रदाय हैं वो सब बाइबल से तो गवर्न हो ही रहे हैं। 16-17 संप्रदाय हैं उनके, वो 16-17 संप्रदाय बाइबल कहने से तो कवर हो ही रहे हैं, और यहूदी धर्म भी बाइबल कहने से कवर हो रहे हो। तो वो 10 कमांडमेंट्स देखो उनकी, तो सबसे पहले तो अपनो अस्ते उनके यहां भी है, डू नॉट स्टील, यहोवा नहीं हो कही कि चोरी मत करो। वाके बाद अब कहां धरनो वो एग्जैक्ट पैरेलल नहीं पता चले है, पर पड़ोसी की औरत और पड़ोसी के घर पे बुरी दानत मत रखो। बड़े कॉन्क्रीट हैं उनके 10 कमांडमेंट्स। पड़ोसी के लिए झूठी साक्षी मत दो, डू नॉट किल, अहिंसा अपन यहां सेफली ला सकें। तो पाछो पता नहीं यहोवा लॉजिकली कितनों या बात को मेंटेन कर रहे हैं, पर पड़ोसी की औरत पे बुरी दानत मत रखो एक आया 10 कमांडमेंट है, और व्यभिचार मत करो दूसरी कमांड है। क्या डिफरेंस है यहोवा समझ सके, अपने को नहीं समझ आ रही है बहुत जल्दी। अब व्यभिचार कहने से पड़ोसी की औरत भी आई जा रही थी, कोई पड़ोसी की कह कोई वो कोई कोई अलग सु कैटेगरी थोड़ी है। वो कह रहे हैं कि व्यभिचार मत करो, और फिर कह रहे हैं कि नहीं पड़ोसी की औरत पे बुरी दानत मत रखो। मतलब ऐसे दोनों को क्लब करके सोचे तो अपने को लगे कि अच्छा व्यभिचार नहीं करना, पर पड़ोसी की औरत पे बुरी दानत नहीं रखनी, पर गैर पड़ोसी की औरत पे दानत बिगाड़ने में कोई हरकत नहीं है। नेचुरली ऐसा तो मीनिंग नहीं होएगो, पर इन दोनों को क्लब करें ना तो कुछ ऐसा मीनिंग से निकलता लगे। तो ठीक है, उनने भी अपनी कमांडमेंट्स दी हैं, पर अपनी कमांडमेंट्स उनको कंपेयर करके देखो कि अपनी कमांडमेंट्स कितनी रिफाइंड, कितनी माने सिग्निफिकेंट कमांड है। ये कमांडमेंट्स तो अच्छी हैं, खोटी बात तो
पाची देखो, इनमें कुछ भी खोटी बात नहीं, बात तो सब सच्ची है, पर जहां तक वो कमांडमेंट्स का सवाल है, कोवेनेंट के जो टर्मिनोलॉजी का सवाल है, अपनी टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर अनएम्बिगियस है, जबकि थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी यहां में कम से कम अपने को लगे है, उनको लगती हो कि नहीं लगती हो। ये सब जो पांच कमांड है उनके यहां भी बुद्ध धर्म के तरह ये पर्सनल डेवलपमेंट की और सोशल डेवलपमेंट की, सोशल में माने आइडियल को मेंटेन करने की कमांड है, अपन इनको एथिकल कमांड कह सकें। ये बेसिकली ये सारी एथिकल कमांड है, नीति की कमांड है। साथ के साथ पांच कमांड यहोवा ने रिलीजियस कमांड भी दी हैं। अब देखो अपन को रिलीजन कहां से स्टार्ट हो रहे हो, या बात को कंपेयर करो कि ये दशक धर्म लक्षण में मनुष्य बन तब तेरे को धर्म समझाऊं, अब वो 10 कमांडमेंट्स में धर्म की कमांड भी पाछी डाल रहे हैं। और मुख नहीं लगे है आज तक, कम से कम होगी तो मुख पता नहीं, पर आज तक मैंने कोई भी हिंदू धर्म की ऐसी किताब एक भी नहीं पढ़ी जहां मैं कोई हिंदू धर्म के प्रवक्ता ने ऐसे शेखी बघारियो कि हमारा धर्म एथिकल धर्म है। बल्कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो यहां तक कहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारा धर्म एथिकल धर्म नहीं है, हमारा धर्म तो मेटा एथिकल धर्म है। क्योंकि क्रिश्चियन लोग निरंतर यह बात की हैमरिंग करें कि तुम्हारे धर्म जो है वो सब धर्म है, हमारा धर्म एथिकल धर्म है। पर एथिकल ये जी जो कोड्स हैं, एथिकल जो कमांड्स हैं, कमांडमेंट हैं, वो अनएम्बिग्यूस कौन की हैं? ये देखो, और वो 10 कमांडमेंट्स में उनके भी 10 है कमांडमेंट, पर बाकी की 5 कमांडमेंट मोर और लेस पाछी एथिकल नहीं होके अपनी 10 कमांडमेंट एथिकल हैं, बाकी कंपैरिजन में उनकी सिर्फ 5 कमांड एथिकल हैं, बाकी सारी 5 कमांड पाछी रिलीजियस कमांड हो जाए हैं। और वहां में सॉरी, 1 कमांड उनकी और एथिकल है, वह को अपन कह सकें माता पिता को आदर करो। नेचुरली फैमिली के वेलफेयर के लिए वो अच्छी कमांडमेंट है, अपने आप गए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बाकी 4 कमांडमेंट उनकी एथिकल होने के बजाय रिलीजियस हैं, और वहां में सबसे पहली कमांडमेंट ये है उनकी 10 कमांडमेंट्स, अश्वदेव को भजन त्याग, Do not worship other gods. Do not worship other gods. आया ख्याल में? ये ethical command नहीं है, ये religious command हो गई, commandment हो गई। या बारे में पाछे उनमें बहुत मतभेद और झगड़ा है कि ओरिजिनली कमांडमेंट डू नॉट वर्शिप अदर गॉड हती, कि ओरिजिनल कमांडमेंट यह थी कि वर्शिप मी एलोन। तो कुछ संप्रदाय यो कहे कि नहीं, आई एम योर लॉर्ड ओ इज़राइल, आई एम योर लॉर्ड एंड वर्शिप मी एलोन। जो अपन बात कर रहे हैं कृष्ण योग तिरमामा वामे से ये फणगा फूट्यो, ऐसे दूसरे कुछ लोग यो कहे कि नहीं नहीं, ओरिजिनल कमांड ये नहीं हती, ओरिजिनल कमांड यह थी कि मैं तुम्हारा लॉर्ड हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम मेरे को भजो, अकेले मुकु भजो। ये हती नहीं कमांडमेंट के दूसरे को मत भजो, पर उनने वामेसु ये डिराइव कर ली कि दूसरे को मत भजो। तो वो पहली कमांडमेंट ये है कि वो है, या बारे में उनमें ही आपस में बहुत मतभेद है, पर अपन दोनों कमांडमेंट लेके चले कि अनन्याश्रय उनकी भी एक कमांडमेंट है, जो धार्मिक कमांडमेंट है। दूसरी धार्मिक कमांडमेंट है मूर्ति पूजा हत्या
के जैसा पाप है। मूर्ति पूजा मत करो कभी। निरंतर बाइबल जो है वो या स्टोरी से भरी भई है, स्पेसिफिकली ओल्ड टेस्टामेंट, कि हर वक्त भगवान उनको समझावे कि भाई मूर्ति मत पूजो। फिर कोई ना कोई मूर्ति को पूजने लग जाए, फिर भगवान गुस्सा हो जाए, फिर उनकी बकरियां मार दे, घरें तोड़ दे, आग लगा दे, खेत खलिहान सब खत्म कर दे। फिर उनको समझ में आया, अरे हमने गलती कर दी, मूर्ति पूजी। फिर वो सौगन खाए कि नहीं अब नहीं मूर्ति पूजेंगे। फिर थोड़े दिन खुशहाल हो जाए, फिर कोई मूर्ति खड़ी हो जाए। निरंतर बाइबल में ये स्ट्रगल अपने को पढ़ के देखोगे तो बड़ी मजा आएगी कि कैसे भगवान वर्सेस मूर्ति की वहां स्ट्रगल है। गॉड वर्सेस सैटान की स्ट्रगल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट को स्टोरी नहीं है पुराण। आंखों पुराण जैसे अपने यहां दैवासुर संग्राम को आंखों पुराण है, उनके यहां देव और मूर्ति के संग्राम को आंखों पुराण है। ये वो लोग क्यों अपनी मूर्ति पे इतने जले हैं, वाको अपन कारण समझ सके कि उनकी भाई मुख्य 10 कमांडमेंट्स एक कमांड ये है कि यदि तुम मूर्ति पूज रहे हो तो वासु बड़ो दुनिया में कोई पाप हो नहीं सके। माने व्यभिचार को, हत्या को, चोरी को पाप भी मूर्ति पूजा के पाप सु बहुत नीचे स्तर के पाप हैं, ये बहुत उच्च स्तरीय पाप है। तो ये उनकी बहुत स्ट्रांग कमांडमेंट है। मुख ये कमांड, अपन तो मूर्ति पूजक हैं, तो मुझको ये कोई कमांडमेंट ही नहीं लगे। ऐसा कॉन्वेंट यदि मेरे साथ यावा करे तो कहूंगा भाई नॉट एग्री, गुड बाय। मैं तो यही कहना चाहूंगा, भले तू यावा अपने घर को बहुत बड़ा फिनोमिना है, पर अपन को यह एग्रीमेंट में नहीं आना। हम तो पूजेंगे मूर्ति तेरी पूजेंगे, क्या कर लेगो चल। अपन तो यह बात को लेकर चले हैं। पर वाक्य बाद एक उनकी बहुत अच्छी कमांड है जो अतिशय धार्मिक होने के बजाय भक्ति मार्गी कमांड है, जाको अपन शुद्ध अपने पुष्टि मार्गी एंगल से माने एप्रिशिएट कर सकें, रैलिश कर सकें। ऐसी उनकी एक बहुत अच्छी कमांड है, और वो कमांड है कि क्षुद्र प्रयोजन के लिए कभी भगवान को नाम मत लो। अपने महाप्रभु जी निरंतर ये बात हैमर करके अपने को कह रहे हैं कि भाई ये मशीन गन को मच्छर मारने के लिए मत वेस्ट करो। ये बहुत मीठी कमांडमेंट है, अपन ये को रैलिश कर सके 10 कमांडमेंट्स ये कि हाँ यही तो अपन बात कह रहे हैं थ्रू आउट। निरुपाधिक भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा, या कल जो मैंने आपको वो इक्वेशन समझाया कि काम हो तो आत्मभाव होना चाहिए, वाक्य मैसेज के द्वारा भी जो भी कुछ अपन कहना चाह रहे हैं वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि क्षुद्र प्रयोजन के लिए भगवान को नाम मत वापरो। बहुत मीठी कमांड है। और वाक्य बाद उनके यहां शबात व्रत हो, जैसे अपने यहां एकादशी हो है। अपने यहाँ एकादशी हुए है, शैवन में चतुर्दशी हुए है, गणेश जी के भक्त में कुछ और तिथियां हुए हैं, देवी भक्तन में कुछ और तिथियां हुए हैं, ऐसे उनको शबात हुए है व्रत। वाको कभी त्याग मत करो, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। एक बात तुमको ध्यान से बताऊं, जैसे अपने यहाँ गिलिंडरी है ऐसे उनके यहाँ कोई कम गिलिंडरी नहीं है। यह बात में के जो शबात है तो वाको वो होलीडे कहते थे, आज हॉलीडे को मतलब पिकनिक हो गया। खाना पीना मौज मस्ती करनी, जाए 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 गिटार बजानी, बोतलें चढ़ानी, वो हॉलीडे को मतलब हो गया। हॉलीडे को मतलब वो नहीं है, तो हॉलीडे को मतलब है तो शबात, होली यानी पवित्र। पवित्र वो दिन है शबात को, कि जा दिन तुम भगवत चिंतन, भगवान मनन के अलावा और कोई काम मत करो, सारे काम छोड़ के सिर्फ वो ही काम करो, याली वाको हॉलीडे कहो जाते। तो और गिलिंडरी आज ऐसी है कि 99.9% कोई भी अंग्रेजी के स्टूडेंट को पूछ के देख लो कि हॉलीडे को मतलब क्या, गर्लफ्रेंड को लेके पिकनिक में जानो, कोको कोला पीनी, बाटली पीनी, नाश्ता करना, पिज्जा खाना, ये सब हॉलीडे।
कहां चले गए होली डे, कितना अनहोली हो गए हो। ये जैसे अपने यहाँ गिलिंडरी चल रहा है ना, ऐसे उनके यहाँ भी ये गिलिंडरी की पराकाष्ठा है। और पाछे शर्मा में नहीं वाकू होली डे कहते, यदि ये होली डे है तो अनहोली डे क्या होएगा। होली डे ट्रेन चले, होली डे टूर चले, होली डे ट्रैवल्स चले, तो क्या होली है क्या? होली है तो। तो ये बात समझो कि बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, जो अपन ने ही नहीं सोची। मैं सब धर्मन को विस्तार करना नहीं चाहूं, नहीं तो सब धर्म में या तरीके की कह ली है कि मनुष्य को पशु भाव में सु कैसे ऊपर उठा के मनुष्य बनानो। थोड़ो करना है इंटरवल, तो एक 5 मिनट को कर लें, और चालू रखना है तो चालू रखें, जैसे आप लोगों की इच्छा तो चालू रखें। या संदर्भ में मूल में अब आप देखो कि जो अपन कह रहे थे कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तानि अविरोधता, वो सिर्फ वैष्णव धर्म की बात नहीं है, वो तो अपन ने एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ कही है कि जो हर धर्म पे लागू होगी, कि धर्मार्थ काम मोक्ष के जो निमित्त हैं उनको आपस में टकराते भय मत कर दो। मतलब जो ऑर्डर है, अब वो ऑर्डर फिर से रिकॉल करो। सबसे पहले काम है, वो काम को प्राप्त करने के साधन अर्थ है, वह अर्थ को और काम को दोनों को रिफाइन और कंट्रोल करने को साधन धर्म है, और वह धर्म सु अर्थ और काम को, क्योंकि व्यास भगवान कह हैं कि ऊर्ध्व बाहु विरोम्येश न च कश्चित श्रृणोति में धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्म किन्न सेव्यते। धर्म कभी हमारा ऐसा नहीं हो सके है कि जासु अर्थ काम तुम्हारी कैंसल हम करना चाहते हो। हम तो ऐसी बात कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा अर्थ और काम है वो हेल्दियर अर्थ हो जाए, हेल्दियर काम हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा काम तुमको ले डूबे, तुम्हारा अर्थ तुमको ले डूबे। वो बात धर्म से तुमको समझाना चाह रहे हो, हाथ ऊंचे उठा के सौगन खा के कह रहे हो कि धर्माद अर्थश्च कामश्च स धर्म किन्न सेव्यते। तो ये बात ध्यान से समझो कि मोर और लेस ये व्यवस्था कैसी होती, कि ब्राह्मण के लिए यूं माने जाते तो कि चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्षत्रिय के लिए पुरानी सिस्टम में मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, तो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ है। तो और वैश्य के लिए धर्मार्थ काम ही पुरुषार्थ थे, और शूद्र के लिए भी धर्मार्थ काम त्रैवर्गिक पुरुषार्थ थे। या तरीके को आखो सेटअप है तो वह सेटअप के तहत अपन ने पशु भाव में सु वाकू विकसित करने को आखो एक प्रोग्राम घड़े हो के इनमें परस्पर इनके जो निमित्त हैं उनमें परस्पर विरोध नहीं आना चाहिए, वह तरह से इनको ऑर्गेनाइज करो तो तुम सच्चे मनुष्य। यही लिए मैंने कणाद ने बहुत अच्छी बात कही कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जासु अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सिद्ध होते हों वाकु धर्म समझो। वो बात कणाद ने कही है, ऐसी बात नहीं है, वो बात सर्वत्र शास्त्र ने कही है, अपने भागवत ने ये बात कही है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधता। सो वो पशु भाव में सु मनुष्य भाव में लाने को है, और वहां में जब वो मनुष्य भाव में आ जाए तब वाकू भागवत ये कहे कि अच्छा अब तू मनुष्य भाव में आयो तो तू क्षेत्रात्मा भयो। क्षेत्रात्मा भयो वाको पैरेलल क्या है ध्यान से देखो, दृष्टा
अब तेरे को निगाह पंती कि जीवन कैसे जीनो। विज्ञातम पश्यति, उपनिषद क्या कह रहे हो, विज्ञातम वदति, विज्ञातम पश्यति, वेद श्रस्तनम वेद लोकालोक मर्त्येन अमृतम ईप्सति। ये तेरे को देखने की सिफत अब आई है, ये देखने की सिफत आई है तो तू क्षेत्रात्मा है, और यदि तू क्षेत्रात्मा है तो अब देखो भागवत यहां से पाछी एंटर हो रही है। भागवत करिए कि अब तेरे लिए ये उचित है कि तू अपने जो भी धर्मार्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ हैं उनको तू अपनो अचीवमेंट मानने के बजाय प्रभु को समर्पित करने को कोई एक भाव मन में पैदा कर। जा भाव को प्रभु को समर्पित करने के भाव को भागवत क्या है कि ये क्रियाद्वैत है। क्रियाएं सब अलग अलग हैं, धर्म की क्रिया अलग है, धर्म पुरुषार्थ की क्रिया अलग है, अर्थ पुरुषार्थ की क्रिया अलग है, काम पुरुषार्थ की क्रिया अलग है, मोक्ष पुरुषार्थ की क्रिया अलग है। पर यदि तेने द्रव्याद्वैत हासिल कियो, माने या कि खूबसूरती देखो कंसेप्ट की कि जीवन में तेने जीने को लिए भली भांति कोई सेटअप बनायो है तो को क्रियाद्वैत प्राप्त हो रहे है कि तो तेरे सारे मन वाणी और कर्म सु जो भी तू या बारे के प्रयास कर रहे है धर्मार्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ कर रहे है उन पुरुषार्थन को स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। वो मानव जो है वो परमात्मा को इनको समर्पित कर दे, अपने एंजॉय करने की अपने अहंकार करने की वृत्ति से इन पुरुषार्थन को अनुष्ठान करने के बजाय इनको परमात्मा के हक में समर्पित करे। वो कैसे, सीधी सी बात समझो, कैसे समर्पित करना, या रहस्य को समझो, कैसे समर्पित करना, क्या करना। दो तरह से वो हो सके समर्पण, एक समर्पण या तरह से हो सके अर्थ के अनुष्ठान किए हैं वा मैं अपन अपनो अहंकार और ममकार नहीं मान के भगवत कृपा माने तो वो पुरुषार्थ अपने चारों समर्पित हो सके। यदि अपन ने अपनो अहंकार और अपनो ममकार वा में स्थापित कियो के मैंने कियो ये मेरो है यासु मुकु ये भयो यासु मुकु ये भयो तो वो प्रभु को समर्पित नहीं भयो, क्योंकि तुमने अपने आत्मा को समर्पित कियो है, अंतरात्मा को समर्पित कियो है, परमात्मा को ये धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ समर्पित नहीं कियो है। तो जब तुमने अपनी अंतरात्मा को समर्पित कियो, या कंसेप्ट की ब्यूटी समझो, जब तुम अपनी आत्मा को ये पुरुषार्थ समर्पित कर रहे हो तो जैसे तुम्हारे शरीर में तुम अंतरात्मा हो, ऐसे दूसरे के शरीर में दूसरो अंतरात्मा है, तीसरे के शरीर में तीसरो अंतरात्मा है, तो क्रियाद्वैत तुमको मिल नहीं सकेगा, क्योंकि जो भी कुछ तुम्हारे अचीवमेंट है तुम अपने आप को समर्पित कर रहे हो, दूसरे को तो समर्पित कर नहीं रहे हो, और दूसरे को कौन को समर्पित करना। ऐसा कौन सा है समर्पणीय वस्तु कि जाकू समर्पित करें तो ये सारी क्रियाएं में एक इंटीग्रेटेड होल सिस्टम बने। बात समझ में आई। अब जैसे अपन ने कौ को समर्पित कियो, ख ने पुरुषार्थ कियो धर्मार्थ काम मोक्ष को 100% बराबर कियो कि 50% कियो कि 25% कियो, जैसे कियो वो पुरुषार्थ को वो ख को, ख ने कियो वो क को समर्पित कर रहे हो, कर दे क को समर्पित, पर ग को क्या होएगा, घ को क्या होएगा, ङ को क्या होएगा, च को क्या होएगा। तो वो क्रिया में अद्वैत नहीं मिले तुमको। जैसे द्रव्य को अद्वैत अपन बता रहे थे कि ये द्रव्य को अद्वैत है जहां में तुम जी रहे हो, स्वार्थ कामयोर ऐक्यम, और वह स्वार्थ कामना की पूर्ति के लिए जो भी तुमको मटेरियल सप्लाई कियो गयो है वो कोई पर्सनल और प्राइवेट नहीं सप्लाई कियो गयो है, वो पब्लिक मटेरियल तुमको सप्लाई कियो गयो है। बरसात जो है वो तुम्हारी पब्लिक है, भूमि तुम्हारी पब्लिक है, सूर्य तुम्हारा पब्लिक है, हवा तुम्हारी पब्लिक है, वो कोई को प्राइवेट सेक्टर नहीं हो सके है, वो पब्लिक सेक्टर है। वो जो पब्लिक सेक्टर होने में वाकई अपन ने एक आइडेंटिफिक माने इंटीग्रिटी खोजी, वो द्रव्याद्वैत है। तो ऐसे क्रियाद्वैत कैसे हासिल करना, ये मूल भागवत की समस्या है।
पर यदि परमात्मा तो सभी अंतरात्मा में एक कॉमन परमात्मा है, वह परमात्मा को तुमने समर्पित किया तो तुमको ये तुम्हारी क्रियान के धर्मार्थ काम मोक्ष के जो अनुष्ठान के पुरुषार्थ हैं उनमें तुमने एक क्रियाद्वैत हासिल कर लियो, या क्रियाद्वैत को हासिल करो, प्रैक्टिस करो। हासिल करने को मतलब प्रैक्टिस करना। तो एक तो ये हो सके कि अहंकार ममकार वामे भावना जगाने के बजाय भगवत कृपा की भावना वामे जगानी, माने तच्चाप्य हम भवद अनुग्रह ईश मन्ये, ये जो भागवत की पॉलिसी है, वा तरसिया को भगवत कृपा भगवत माने एषौ एव साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वम् उन्निनिशति, एषौ एव असाधु कर्म कारयति यम अधो निनिशति, माने वो जो है वो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो परमात्मा या तरसु सबको कर्ता कारयिता है। जैसे गायत्री में अपन कह रहे हैं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, तू मोको बुद्धि दे, तू मोको बुद्धि दे ऐसी कि जासु मैं अच्छे तरफ मार्ग पे चल सकूं, है ना। गायत्री को मंत्र को मूल अर्थ क्या है कि मैं अपनी बुद्धि सुनी तेरी दी भाई अच्छी बुद्धि सु मैं अच्छे मार्ग पे चलूं, क्योंकि वो अच्छा मार्ग तेरे तक पहुंचाने वालों तेरे को संतुष्ट करने वालों बने, तो वो ऐसी बुद्धि तू मोको दे। ये अपन गायत्री मंत्र में मांग रहे हैं। तो वो जो गायत्री मंत्र में मांग रहे हैं वो जो है वो एक समर्पण को भाव है। बुद्धि तो देखो भगवान तुमको ही देगो ना, बुद्धि तुमको ही वापरनी है, पर वह बुद्धि को तुम तुम्हारो अचीवमेंट मानने के बजाय भगवान को प्रदान मानो, प्रदानवद अविशेषात, यही के लिए कहो कि जो तुमको मिलो है वह को अपना अचीवमेंट मानने के बजाय भगवान को प्रदान मानो, भगवान को कॉन्ट्रीब्यूशन मानो। क्यों? कि बुद्धि प्रेरक वो है, कर्म प्रेरक वो है, फलदाता वो है, और जिन कारण क्रिया मने जो षड्भिः संपद्यते धर्म, जो बताया है कि धर्म के जो छह अंग हैं देश काल कर्म कर्ता मंत्र कर्म विभागता, वो सारी जो सेटअप है वो कौन ने प्रोवाइड करी तुमको? वाके द्वारा प्रोवाइड करी भाई है। तो जब तुमने कोई धर्म संपन्न कियो है तो सारो जो है वो फाइनेंस वाको है, मैनेजमेंट वाको है, सिर्फ लाभ तुमको है। वो लाभ तुमको है वाको, तुम इतना बड़ा अर्थ मत सोच लो कि तुमको फाइनेंस प्रोवाइड कर दियो, ये जो कैपिटल है ये तुम्हारी हो गई, मैनेज भी वो कर रहे है। ख्याल में, जैसे भारत ने जब पीएल 480 के गेहूं मंगाए ना, तो अमेरिका को वह वक्त अपन दुखी थे, अपने खेत में कमी हो गई थी, तो अपन ने उनसे मांगे कि भाई गेहूं दो हमको, तुम्हारे यहाँ एक्सिस गेहूं है, तो उनने कही देंगे, तो उनने गेहूं तो देने की कबूल कर लियो। फिर भारत सरकार ने कही कि हमारे पास लाने के पैसा कहाँ है, तो उनने कही चलो हम ऐसा स्टीमर भी देंगे तुमको पहुंचावे। वह वक्त ये अपनो लक्ष्मण ने एक कार्टून बनाया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां विचार कर रहे हो कि लेबर भी अपन पहुंचाए क्या स्टीमर में जो उतारने के वो अपने सेक्रेटरी को पूछ रहे हो कि स्टीमर तो अपन दे रहे हैं, जो भी अपन दे रहे हैं वो स्टीमर में से अनलोड करने के लिए लेबर भी अपन पहुंचाए क्या भारत को प्रेसिडेंट सोच रहे हो कि पहुंचाने के नहीं पहुंचाने। तो ये भारत की ये दुर्दशा हो कि नहीं हो, पर जीवात्मा की तो यही दुर्दशा है कि लेबर भी वो दे रहे हो, स्टीमर भी वो दे रहे हो और गेहूं भी वो दे रहे हो, फिर भी अपन ऐसा फांका रखते हैं कि ये तो हमारे गेहूं है। तो ठीक है रखो, अब हमें तो कोई नुकसान की बात नहीं है, रखने हो तो रखो, बाकी है कछु या तुम्हारा नहीं, सब कछु वाको है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मूल में वो बात जो समर्पण की बुद्धि है, वो समर्पण की बुद्धि जो है, ये समर्पण की बुद्धि को माँ भागवत ये कह रहे हैं कि क्रियाद्वैत को एक तबक्का है। पर वो कब तुमको हासिल हो सकेगो कि जब तुम द्रव्याद्वैत को अच्छी तरह से जियोगे। तो द्रव्याद्वैत तुमने अच्छी तरह से नहीं जियो तो तुमको क्रियाद्वैत हासिल नहीं होगो, और क्रियाद्वैत हासिल नहीं भयो तो तुम भूतात्मा के लेवल पर ही जीते रह जाओगे। क्षेत्रात्मा तक तुम अपने आप को विकसित नहीं कर पाओगे, और क्षेत्रात्मा में सुपाचो तुमको अंतरात्मा और परमात्मा तक जानो है। तो वाके लिए
जो अद्वैत सहायक होगो वह अद्वैत को नाम भागवत कह रही है, भावाद्वैत है। भावाद्वैत तुम्हारे अंतरात्मा को और परमात्मा को मिलाने वालों फैक्टर है, वो हस्त मिलाप कराएगा अंतरात्मा को और परमात्मा को। जब वक्त तुमने भावाद्वैत सोचो, वो भावाद्वैत का क्या है तो भागवत समझावे है कि भावाद्वैत का मतलब ये है कि यहां भाव माने होनो, अभाव का मतलब नहीं होनो, धनो अभाव चे आयो ना, तो यहां जो कुछ है, यहां जो कुछ है वह में परमात्मा के होने को अद्वैत है। तुम भी यदि हो, तुम अपने को होनो सोच रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, पर तुम क्यों हो यह बात पे सोचो कि तुम हो क्यों, क्योंकि तुम परमात्मा के एक अंश हो, या लिए तुम हो। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम सर्वं खलु इदम ब्रह्म, ये जो भावाद्वैत है ये अपन तो बोल रहे हैं, दादू बक्ता बहुत है। दूध घीओ में मिल रहा दूध जो है वो घी में है मौजूद, पर ऐसे पहचाने कोई और, दादू बक्ता और है। ऐसा बोलना तो आपको बहुत सरल है भावाद्वैत को, वाकु फील करनो, वह हिसाब से अपने विचार और भाव को गवर्न करनो तो बहुत कठिन कथा है। पर कठिन कथा क्यों है, क्योंकि अपन ने द्रव्याद्वैत नहीं जियो, अपन ने क्रियाद्वैत नहीं जियो, या लिए भावाद्वैत को जीनो कठिन कथा है। इफ एट ऑल अपन द्रव्याद्वैत को जी सकें, इफ एट ऑल अपन क्रियाद्वैत को जी सकें, फिर भावाद्वैत तो सीधो सो खट सो समझ में आवे ऐसी बात है। ये भागवत की आखिरी स्कीम है मनुष्य को पशु प्राणी पशु सु मनुष्य भाव में लाने की, और वाके ऊपर महाप्रभु जी ने अपनो सारो भक्ति मार्ग बेस कियो है। कृष्ण को खत्म करना चाह रहे होगे, क्योंकि तुमने भावाद्वैत तो अभी माने फीलिंग वाइज और थॉट वाइज भी एक्वायर नहीं कियो, तो बिहेवियर में तो कहां से प्रतिफलित होगा। या के लिए महाप्रभु जी ने सारो भावाद्वैत पर यह भक्ति मार्ग और शरणागति मार्ग को बेस कियो है। तो जो अंतिम जो वाको वो है, भगवत शरणागत समर्पित भक्त, वो जो है वो अंतरात्मा और परमात्मा के बीच भावाद्वैत को जीने को एक प्रोग्राम है, कि भावाद्वैत को कैसे जीनो अंतरात्मा और परमात्मा के भावाद्वैत को। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसि को कैसे जीनो, सर्वं खलु इदम ब्रह्म या भाव को कैसे जीनो, या भाव को जीने को एक जो प्रोग्राम है वो मूल में प्रोग्राम अपनो शरणागति और भक्ति को प्रोग्राम है, वो भावाद्वैत पे बेस्ड है। पर वो आपके लिए पूरे प्रीसपोजिशंस ये हैं, वो जो स्व है तुम्हारो, वो स्व वो स्पष्ट होना चाहिए कि हमारो स्व ये या प्रोसेस में सु प्रोसेस्ड रिफाइंड स्व है। कौन सा स्व, द्रव्याद्वैत के क्रियाद्वैत के भावाद्वैत के प्रोसेस में सु प्रोसेस्ड रिफाइंड स्व है। वो जब अपने को रिफाइनमेंट हो जाए फिर अपने आप को पहचानने में अपने को तकलीफ कभी नहीं होगी कि स्वधर्म क्या है। फिर जो भी टीकाकार स्वधर्म को जो भी अर्थ कर रहे हो ना, वाकु तुम खट से पहचान सकोगे कि भावाद्वैत की कौन सी शेड को यहाँ टीकाकार रिफर कर रहे हो है। कोई वर्णाश्रम धर्म को रिफर करते होगो, कोई ये दशकम धर्म लक्षणम को करते होगो, कोई भक्ति को रिफर करते होगो, कोई सेवा को रिफर करते होगो, कोई विप्रयोग को रिफर करते होगो। अलग अलग टीकाकार हैं, अलग अलग स्वधर्म से रिफर करते होंगे, और फिर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भावाद्वैत को जो फलक है, जो कैनवास है, वो इतना विशाल कैनवास है कि जामे ये सारे कलर आनंद सु अपनो अपनो प्लेस ले सके हैं, कलर की वो वैरायटी के रूप में, कि एक ही कैनवास अनेक कलरन में विलसित हो रहे है, एक ही परमात्मा अनेक भावन सु विलसित हो रहे है, एको हम बहुश्याम प्रजा ये या। मूल में वो आपको अपनो सेटअप है, या बात को समझो स्व को पहचानने को, कैसे स्व को पहचानो अपने, ये आखिर स्टेप बाय स्टेप वाकी अपन ने स्व की एनालिसिस देखी। कल अपने पास कितने दिन बाकी हैं अब हा? तो कल और परसों या सेटअप को
अपन आइटम वाइज चेकिंग करेंगे, पहले स्व की चेकिंग करेंगे आइटम वाइज, फिर धर्म की चेकिंग करेंगे आइटम वाइज, और श्री महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो तीसरे दिन अपन दोनों कारिका को लेकर और वाको प्रकाश देखेंगे। पर मैं चाहूं कि अनुवाद और टीका आपको भी ये पैम्फलेट में बांटी है तो वो भी आप देख के तैयार रहियो, क्योंकि वो सब मैं व्यर्थ नहीं बताऊंगा, जो वामेसु सिग्निफिकेंट सेलियंट फीचर हैं वही आपको बताऊंगा, बेसिक आपको वो उतना ख्याल में होना चाहिए। आज को प्रकरण यहाँ रखें और विलम्ब से आया हुआ के लिए क्षमा करियो भाई, क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं रह गई थी बात। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्रीवल्लभ नखचंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो, सुर कहा